इस मॉड्यूल में हम आपको मुलास्का के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करके बताएंगे मोलस्का इनका साइज जो है बॉडी का वेरिएबल कुछ के अंदर हमें बहुत ज़्यादा जॉइंट स्क्विड मिलेंगे जिनका साइज जो है वो 18 मीटर तक भी हो सकता है और कुछ मोलस्क ऐसे भी हैं जो कि बहुत छोटे हैं इनके अंदर गार्डन स्लग्स जो हैं वो एक कॉमन एग्जांपल है और आपने उनको ऑब्ज़र्व भी किया होगा इनकी लेंथ जो है वो हार्डली वन सेंटीमीटर लॉन्ग है अब मोलस्कंस जो हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है यानी ये लैंड में भी हमें मिलेंगे एयर में लैंड में भी मिलेंगे फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे मेरीन वाटर के अंदर भी मिलेंगे और मोलस जो है इनके डिफ़िकल्टी है कि इनके डिफरेंट फीचर्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि हर एक के अंदर अपना एक करेक्टरिस्टिक फीचर होगा अब मुलस के करेक्टरिस्टिक्स में क्या है बॉडी जो है उसके अंदर हेड भी है और फुट भी है इसके साथ साथ विजरल मास जो है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड फुट इनके अंदर शेल है शेल के अंदर एक लेयर है उस लेयर को हम कहेंगे मेंटल ये मेंटल जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रिटिंग द कैल्केरियस शेल एज वेल एज ये मेंटल जो है आउटर कवर है अगेंस्ट द विजरल मास मेंटल के फंक्शन क्या हैं एक्सक्रीशन में हेल्प करता है गैस एक्सचेंज में हेल्प करेगा एलिमिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स जो हैं एंड प्रोडक्ट्स उनमें हेल्प करेगा रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा मोलस जो हैं इनकी सिमिट्री नॉर्मली बाइलेट्रल है प्रोटोस्टोम्स हैं और इनके करेक्ट्रिस्टिक्स में जो लार्वा है उसका एक टिपिकल नाम है और उस लार्वे को हम कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा स्पायरल क्लीवेज होगी शीजियोजिलस सिलोम फार्मोशन है और इसमें सिलोम जो है दैट इज़ रिड्यूस्ड टू कैविटीज और ये कैविटी जो है दिस इज सराउंडिंग द हार्ट नेफ्रीडिया एंड गोनेट्स फिर सर्कुलेटरी इस सिस्टम इसके अंदर ओपन टाइप रेडुला एक स्ट्रक्चर जो कि टंग लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज आल्सो प्रेजेंट इन एनिमल्स ऑफ फाइलम मुलस्का एंड दिस इज यूज फॉर स्क्रैपिंग द फूड अब की बॉडी को जो है हम थ्री रीजन्स में डिवाइड करते हैं हेड फुट और मेंटल हेड फुट जो है ये बॉडी की इंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होंगे माउथ जो है फिर इसके अलावा नर्वस सिस्टम है सेंसरी स्ट्रक्चर है एलोवेटेड फुट है फुट का क्या काम है यह अटैचमेंट के लिए यूज होगा विजरल मास जो है इसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं डाइजेशन के सर्कुलेशन के रिप्रोडक्शन के एक्सक्रीशन के फिर इसमें मेंटल जो है दिस इज आल्सो अटैच्ड विद द विजरल मास और दिस विल आल्सो सिक्रीट द शेल दैट इज प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द मोलस्क अब शेल जो है इसकी सिक्रीशन थ्री लेयर्स में है आउटर लेयर इसको हम कहेंगे पेरियोस्टोम मेंटल सेल्स जो हैं दे आर एट द आउटर मार्जिन एंड इट इज़ अ प्रोटीनियस इन नेचर फिर मिडल लेयर इसकी है उसको हम प्रिस्मेटिक लेयर कहेंगे ये थिकेस्ट है ये लेयर कैल्शियम कार्बोनेट से मिक्स्ड स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई है अब यहाँ पे आप इस डायग्राम में मोलस का जनरल बॉडी प्लान जो है उसको देख सकते हैं यहाँ पे ये देखें ये इसका फुट है गेल्स एनस मैंटल ये मैंटल जो है दिस इज कवरिंग ऑल द स्पेस एंड दिस इज कार्ड मेंटल कैविटी सिलोम मेटानेफ्रेडियम स्ट्रक्चर यूज फॉर एक्सक्रेशन विजरल मास हार्ट गोनेड्स इंटस्टाइन रेडूला स्ट्रक्चर यूज फॉर रेस्पिंग एंड दिस रेडूला इज़ इन द माउथ इसोफेगस अब ये माउथ और रेडूला इज टंग लाइक स्ट्रक्चर अब जनरल मोलस्क बॉडी प्लान के अंदर आप देखें तो इसमें हमें कंप्लीट सिस्टम्स जो हैं जो कि हायर फाइलम के अंदर होने चाहिए उनकी अपेयरेंस जो है दैट इज़ जस्ट बिगनिंग हेयर तो जनरल मोलस्क बॉडी प्लान जो है दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हायर इनवर्टिब्रेट फाइल